रीना के संग, रीना के संग रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही स्पेशल चीज करने आए हैं। आज आए हैं हम चैतन्य के पापा का बचपन फिर से देखने, जहाँ ये पैदा हुए, जहाँ ये बड़े हुए, उस जगह पे हम आए हुए हैं। तो आज हम आए हुए हैं, ये पैदा हुए थे जब ये छोटे थे, जब ये पैदा हुए तो ये रेलवे कॉलोनी जो दिल्ली में है, वसंत रोड, मतलब सीपी के बिल्कुल साथ में जो है रेलवे कॉलोनी, वहाँ पैदा हुए थे। तो आज हम वहाँ आए हैं और यहाँ का पूरा एरिया आपको दिखाने वाले हैं कि पापा क्या क्या करते थे यहाँ की गलियों में, यहाँ के एरियों में, कहाँ वो पैदा हुए, कौन सा उनका पुराना घर था, कौन सा उनका स्कूल था, सब आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है और वो रेलवे कॉलोनी में पैदा हुआ है, कौन से वाले में, वसंत रोड वाले में या किसी भी रेलवे कॉलोनी में पैदा हुआ है, दिल्ली में पैदा हुआ है, तो आज उनकी भी जो मेमोरी है दोबारा से फ्रेश हो जाएगी। हम फिर से आपको दिखाने वाले हैं रेलवे कॉलोनी की पुरानी यादें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये देखिए, मैं यहाँ पर खेला करता था, मेरा बचपन कटा और मैं यहाँ पर आते थे, हम जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो हम इसी रोड पर खेलते थे। यही है वो सारी रोड ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से वहाँ तक, और हम बहुत इन्जॉय करते थे सारे फ्रेंड्स मेरे और मैं भी। आज मैं अपनी बचपन की यादें समेटने आया हूँ और आपको भी उस यादों में अपना साथी वगैरह आ रहा हूँ। कैसी है, किस जगह में रहता था, क्या क्या करता था, आज मैं ये सारी यादें ना संजोने आया हूँ। ज़िंदगी में फिर यह मौका मिले नहीं मिले, पर यह रहता है कि अपनी यादें यार अपने साथ में कैप्चर करूँगा और आप लोगों को भी उसमें शामिल करूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों ये है करनैल सिंह स्टेडियम, यहाँ पर हम बचपन में खेला करते थे। तो ये सारा का सारा जो है इसी ग्राउंड के पे मैं बड़ा हूँ। आज जरा मैं इसके अंदर की वीडियो इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर रणजी ट्रॉफी का मैच होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत खेलता था बचपन में, बहुत भागता था, दौड़ता था, बहुत बड़ा ग्राउंड है इसके अंदर, तो उस ग्राउंड के अंदर मैं भागा दौड़ा करता था। ये देखिए ये सारा का सारा जो है पूरा स्टेडियम का आगे का वो है, और यहाँ पर मैं बचपन में हर जगह, यानी कि मेरी इसके अंदर भी बहुत सारी यादें हैं, ये भी मैं आऊँगा किसी दिन कैप्चर करने। तो यहाँ से और यहाँ पर ये देखिए मेरे बैक साइड में ये जो देख रहे हैं ना, अभी ये वाला क्या बोलते हैं, ये गेट जो देख रहे हैं, ये यहाँ से हमारा एंटर का था। पहले ये गेट नहीं था बचपन में, मगर अब ये गेट लगा दिया गया है, तो उसको भी मैं दिखाता हूँ। चलिए आप मेरे साथ बने रहे और मोमेंट में ये मैं अपनी वाइफ को अपनी यादों के साथ संजो रहा हूँ, वो भी देख रही है मेरे साथ, खुश हो रही है। तो फ्रेंड ये वो स्टेडियम है जहाँ खेल खेल के मेरे हस्बैंड की इतनी लंबी हाइट हुई है, और आज तो यहाँ पे रणजी क्रिकेट मैच चल रहा है, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए, नेक्स्ट टाइम जरूर बनाएंगे। और ये सामने वो रहते थे जिन्होंने बताया, उनका घर था यहाँ पे। तो अब चलते हैं आगे, घर देखेंगे। चल हमारे पास ये वाली वो पड़ती थी, बाबा की है दरगाह, या मेरे जो बड़े भाई थे, जो मेरे बड़े भाई साहब थे, वो बहुत आते थे यहाँ और बहुत उनका मानना था कि हमारे पास पड़ती थी जहाँ रहते थे, तो उसकी कॉलोनी के पास थे, तो वो आते थे। यादें यानी कि संजोने आए अपनी यादें, यही यादें होती हैं जो ज़िंदगी में याद रह जाती हैं, और कभी हम इसको जब हमारा टाइम हो जाएगा तो देखेंगे। तो अब यहाँ यहाँ रहते थे, तो आज हम उसको कैप्चर करने आए हर एक लम्हा, हर एक मोमेंट। तो दोस्तों आज हमारे साथ बने रहें। बचपन की जो यादें हैं मेरी, जहाँ जहाँ से जुड़ी हुई हैं, वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि हम यहाँ पर आते थे, हमारे स्कूल से छुट्टी होती थी तो हम यहाँ पर चौपट की सड़क खेलते थे। ये देखिए हमारी पूरी जो सड़क जा रही है, इसमें हम चौपट की सड़क करते थे, यहाँ पर हम चौपट की सड़क बनाते थे और यहाँ पर खेलते थे। यहाँ छुट्टी होती थी हमारी, तो ये हमारे जो स्कूल के पास में है ये जगह, तो वही है आज मैं यानी कह नहीं सकता अपना मोमेंट ना,
दिल का ही यार तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यही यादें रहती है दोस्तों जो हम भूल जाते हैं, पर मैं आज अपनी यादें ना समेटने आया हूँ। यहाँ बचपन में ना खेला कूदा है, तो ये सारी सड़क पे हम खेलते थे, सारे दोस्त छुट्टी होती थी हमारी, सारे के सारे दोस्त हमारे इस सड़क पे हम खेलते थे। चौपट की सड़क कहते थे उसको, चौपट की सड़क। हाँ जी, उसमें क्या होता है क्रॉस करते हैं लाइनिंग, इस टाइप की लाइनिंग बना के यहाँ पर। तो दोस्तों आज हम आए हुए चैतन्य के पापा के बचपन में, वो यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, ये है उनके बचपन का एरिया जो कि पड़ता है रेलवे कॉलोनी दिल्ली में, और ये वो रास्ता जहाँ से वो लोग पापा आते थे, चैतन्य के पापा आते थे यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ, और इस रोड पे जो है वो खेलते थे। तो आज हम उनकी जो मेमोरीज हैं, ओल्ड जो मेमोरीज हैं, उनको रिफ्रेश कर रहे हैं और आप सबको भी दिखा रहे हैं। दोस्तों ये है मेरे बचपन का, ये मेरा घर है, ये देखिए वो सामने मेरा घर था, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पापा का घर था पहले, ये मैं उसके अंदर भी जाके आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा बचपन कटा है, ठीक है, ये मेरे दोस्त का घर है, यहाँ पर कुकू नाम है उसका, कुकू, यहाँ पे इनके दोस्त रहते थे सारे ही, और वो था जो था पापा का घर था, अभी दिखाएंगे आपको। ये पूरी रेलवे कॉलोनी की गलियां हैं, ध्रुव रहता था, ध्रुव यहाँ पे इनका दोस्त रहता था, ध्रुव 183 में ध्रुव रहता था, 183 में ध्रुव रहता था। ये जो है रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर्स हैं, जहाँ पे ये बड़े हुए पैदा हुए रेलवे कॉलोनी में, और ये अब ले जा रहे हैं हमें वहाँ जहाँ ये खेलते थे। चलो चलते हैं, यहाँ पर हम खेला करते थे, बट ये कुछ भी नहीं था यहाँ पर, तो ये जो है ना अब बना है, ये पहले नहीं था यहाँ पर, सारा खाली था, ये जो है ना ये जो बिल्डिंग इसके बीच में से रास्ता था, तो बचपन में यहीं पर ही खेला कूदा करते थे। ये सारा का एरिया है, यहाँ पर जोनू रहता था, जोनू एक दोस्त था, कहाँ पर, यहाँ पर रहता था, मैं जोनू कहते थे उसको, तो यहाँ रहता था, ये सारा हम यहाँ पर खेला करते थे। यहाँ पर एक वो था बैठने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, बेंच थी यहाँ पर, वो बेंच भी हटा दी, यहाँ पे एक बेंच लगी हुई थी बैठने के लिए, यहाँ पे इनके दोस्त रहते थे सारे, और सामने वो उनका घर हुआ करता था। इतने तो अच्छे एरिया में, इतने शांत एरिया में जो है पापा का जो है बचपन कटा है, यहाँ पे पतंगे आती थी, बहुत सारी कट कट के आती थी पतंगे। तो दोस्तों जो जो ये रेलवे कॉलोनी में रहता था, जल्दी जल्दी बताओ उनके घर का क्या क्या एड्रेस था, जल्दी से कमेंट करो, तुम्हारा क्या एड्रेस था, मेरा 176C3 में रहते थे। चलो देखते, चलो पापा का घर, ये वाला पेड़ सबसे पुराना है, घर का पेड़ ये भी था, और एक ये वाला पेड़, ये जो है ना पेड़ बहुत पुराने हैं, ये सारे पुराने पेड़ हैं यहाँ के, ये हमारे साथ के। तो फ्रेंड यहाँ पे हम इसलिए आए क्योंकि दिल्ली में चल रही जबरदस्त कंस्ट्रक्शन, पता नहीं कब ये एरिया टूट जाए, हमें लगा एक बार हमें इसकी यादें भी जो है समेट के रख लेनी चाहिए। और अब हम जा रहे हैं ऊपर, और पापा बात करेंगे कि जिस घर में वो रहते थे वहाँ पे जो अभी देखिए ये रहा हमारा घर, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा हुआ था, इसके वो बना दी, यहाँ पे टाइलें उन्हें नहीं थी, यहाँ पे खुरेद के उन्होंने अपना नाम लिखा था, टाइलें कुछ भी नहीं थी, और यहाँ पर पूरा प्लेन था, जैसे ये वाला फर्श है पूरा प्लेन था, ये भी नहीं था, खुला रास्ता था। तब ऊपर 176 में जाएंगे तो जानने वाले भी मिल गए।
ये हमारे जो फ्रेंड था ना कुकू, ये उनकी वाइफ है। हेलो जी, ये इनके दोस्त की वाइफ है और मैं इनके दोस्त की वाइफ हूँ। तो ये यानी यहाँ पर हम बहुत यानी खेलते थे, कुकू था, टिंकू था, ठीक है। ये टिंकू भैया का घर है, टिंकू कुक्कू प्रकाश भैया। अच्छा, टिंकू कुक्कू प्रकाश, तीन दोस्त है, तीनों भाई है, तो उन्हीं का ये घर है। प्रकाश भैया जो थे वो सबसे बड़े थे, बाकी टिंकू और कुक्कू मेरे दोस्त थे। अच्छा, टिंकू और कुक्कू इनके दोस्त थे, बाकी एक बड़े भैया थे, तो उनका घर ये है। दिखाता हूँ मैं आपको आगे अपनी बिल्डिंग के। अब मेरे को ये नहीं पता कि भाई जहाँ मैं रहता था वहाँ पर कोई आया नहीं आया, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। आइए, मेरे को यहाँ पे कभी पापा की भी साइकिल ऐसे खड़ी होती थी, है ना पापा? यहाँ से वहाँ पर हम तो ऊपर सेकंड फ्लोर है, जाके देखते हैं कौन रहता है वहाँ पे। ये इनकी गलियाँ हैं बचपन की, यहाँ से आते थे, खेलते थे। ये बैकयार्ड था, ये फ्रंट है। अच्छा, वो बैक है, ये फ्रंट है, जो हमने एंट्री ली थी वो बैक से ली थी। ये है रेलवे कॉलोनी का, ये हमारा फ्रंट सी ब्लॉक 176 का ब्लॉक। तो ये घर है, चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कोई मिलता है कि नहीं मिलता है, रूम मिलता है नहीं मिलता है। चलो जी चलो। बहुत डिफरेंट है, टाइलें फाइलें नहीं थी पहले, जो शायद जो है रहे उनने करवाई है जो भी है, बट पहले टाइलें नहीं थी, प्लेन था, प्लेन एकदम। ये बिल्डिंग की ये जो है सीढ़ियाँ, ये तो पुरानी सीढ़ियाँ है, ये तो तुम्हारे टाइम की सीढ़ियाँ ही है। मेरे टाइम की सीढ़ियाँ यहाँ पर चढ़ के ना, फिर यहाँ से चढ़ता था मैं ऊपर। ये देखो ऐसे चढ़ते थे, यहाँ पर मेरे दोस्त रहता था मुक्की, अनिल और सुनील, यहाँ तीनों रहते थे। और यहाँ पर निक्की निक्की रहती थी, यहाँ पर छोटी निक्की कौन थी, छोटी सिस्टर थी मेरी, छोटी थी यानी लड़की बहुत छोटी थी। आओ आओ, मैं आपको अमित मिश्रा का भी घर दिखाता हूँ। अमित मिश्रा का घर, इंडियन क्रिकेट टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में अमित मिश्रा, आओ उसका घर दिखाता हूँ। अमित मिश्रा यहाँ रहता था, बीवर, हाँ बीवर। तो यहाँ पर वो रहता था, वो अमित मिश्रा जो बताया ना मैंने, क्रिकेट, हाँ। तो यहाँ किराए पे लेके रहता था, उनका अपना नहीं था बट वो किराए पे लेके रहता था। आज बाकी ये जो जीना है ना दोस्तों, आप बिलीव करो ये जो जीना है मैंने अपना पूरा बचपन काटा है। अपनी यादें मेरे को आज सब याद आ रहा है, थोड़ा रोना सा भी आ रहा है क्योंकि पापा मम्मी भी थे साथ में, और आज मेरे पापा मम्मी नहीं है, बट कोई बात नहीं, सारी की सारी जो है सीढ़िया यही मैं खेलता था, ठीक है। यहाँ पर हम घर घर खेलते थे मैं। और ये है अमित मिश्रा का घर, जो इनका दोस्त है, छोटी तो देख रही है ना, तो ये ना अमित मिश्रा हम यहाँ पर खेलते, और छोटी दीदी भी यहीं पे खेलती थी आपके साथ। हमारे पड़ोसी रहते थे पहले, उनका नाम गोलू और बिब्बो था, और क्या नाम है परमानंद उनके भाई का नाम था, वो यहाँ सामने रहते थे। तो यहाँ रहती थी गोलू दीदी C2 में, अब तो कोई और रहते हैं इनसे पहले, याद उससे भी पहले पहले रहती थी। और ये वाला है ना तुम्हारा घर? हाँ, ये हमारा घर है, और ये है पापा का। बट सॉरी दोस्तों, अब मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी जिनको अलॉटमेंट था वो जा चुके हैं कहीं, तो अभी तो इसमें लगा हुआ है लॉक, ये है बंद, मतलब कोई है नहीं, खाली पड़ा है, क्योंकि जिसको किसी को अलॉट नहीं हुआ है अभी, ये तो ये खाली है अभी, तो इसलिए इस पे गवर्नमेंट का लॉक है, हम चाबी भी अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे, तो ये है C3 जो कि था पापा का घर बचपन में। यहाँ पर मैं चढ़ता था दोस्तों, ऊपर जब छोटा था इस पे खड़ा होता था, मैं यहाँ से चलता था। ये छोटी को छोटी देख रही है, अगर तो देख रही है तो देख, यहाँ पर हम खेलते थे, या मेरी बहन को मैं बोल रहा हूँ जो ये बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ वो देख रही होगी, अगर मेरी वीडियो देखेगी तो इसमें पता लगेगा। यहाँ पर मैं चढ़ता था छोटा था, मैं वो कह रही थी मम्मी से बोलूंगी तेरी पिटाई कराऊंगी, आ जा।
तो ये सारे इनके दोस्त के घर हैं, ये और पर एक वो रहते थे अंकल, ये नीचे की कॉलोनी है, बिहारी अंकल रहते थे, बिहारी अंकल थे वो, तो उनके ना दो बच्चे थे, वो दोनों बच्चे बेचारे छत से गिर गए थे, तो वो यहाँ पर रहते थे उनके साथ, यानी पूरी बिल्डिंग में इनके साथ ट्रेजेडी हुई थी बहुत बड़ी। आओ दिखाओ, आओ छत दिखाओ, चलो इनकी छत पे चलते हैं, जहाँ पे चलो जहाँ पापा पतंग उड़ाते थे अमित मिश्रा के साथ अपने दोस्तों के साथ। कितने फ्लोर हैं यहाँ पे? बहुत सारे फ्लोर हैं। ये है छत जहाँ पे पापा उड़ाया करते थे पतंग। अब यहाँ पे लोग दूसरे लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, नहीं तो पापा और के कपड़े सूख रहे थे। यहाँ पर यहाँ पर एक टंकी होती थी, नमस्कार जी, वाली बड़ी टंकी थी जिसको हम पैक करके ये अब रहते हैं ये लोग छत पे। अब ये हमारे यानी कि इन लोगों को अलॉटमेंट हुआ है, ये सारे जो भी है रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर्स है, तो ये छत है यहाँ की। और यहाँ पर मैं बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, ये देखो हम पतंग उड़ा देते। ये क्या है बताओ? ये तो घर ही है सारे। हाँ, ये सारे के सारे घर है। ये देखो छत से दिख रहे। मेरा दोस्त रहता था सोनू। कहाँ पे? उधर उधर सामने मेरा दोस्त सोनू रहता था, और ये हमारी छत है। तो देखिए, मैं यहाँ पर हम पतंग वतंग उड़ाता था, बहुत छोटा सा था ये, पहले दरवाजे नहीं थे, अब लग गए हैं। पहले सारे लोग आना जाना था यहाँ पर, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी वो थी टंकी। अब तो मतलब सब अपने आप में हाँ, बिजी हो गए, सब बिजी हो गए। बहुत अलग था पहले तो, सारे ऐसे घुल मिल के रहते थे, और नीचे से भी आपने देखा है सारा। देखो ये हमारा घर है, ये यहाँ खत्म हो चुका था। ये वाली जो है ना, ये मेरी बालकनी है, यहाँ मैं खेल, यहाँ पर भी मैं पतंग उड़ाता था, छोटा था ना, तो यहीं पर मैं पतंग उड़ाता था। ये सारा का सारा इधर देखो, ये वाला जो घर है, इस वाले पे जिसपे मेरी उंगली है, यहाँ पर मेरा दोस्त रहता था, रिंकू और ढोलकी नाम था उनका। हम उसे प्यार से ढोलकी बोलते थे, वैसे उसका नाम टिंकू था, मगर रिंकू और टिंकू रहते थे, बट हम उसको ढोलकी बोलते थे। तो पापा बताइए, कैसा लग रहा है अपने बचपन में अपने घर में आके? बहुत खुशी हुई, यानी मैं इतना ना, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी बोलने के, इतना खुश हो रहा हूँ ना मैं। बहुत छोटा सा था मैं यहाँ, जब खेलता था कूदता था, वो सारे टाइम याद आ रहा है। यही वो पानी की टंकी है, तो चेंज हो गई, ये तो दूसरी लगी है, हमारे टाइम पे वाइट वाइट थी। और यही थी छत, इसमें हम पतंग उतंग उड़ाते थे 15 अगस्त के दिन, बहुत मज़े लेते थे, ऊपर भी चढ़ते थे हम, ये देख रहे हो, ये ऊपर भी चढ़ते थे। छोटी को भी मेरी जो सिस्टर है उसका नाम छोटी है, वो भी देख रही होगी, देख ले सारा यहाँ पर हमारा बचपन कटा है बेटा। और ये तो खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा, और सारा अपना बचपन का मोमेंट याद आ रहा है। वही है दोस्तों, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हम बयान नहीं कर सकते, बट देख के वो यादों में हम खो सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हो रहा हूँ यहाँ पर है, और वो जो ट्रेजेडी हुई थी यहीं हुई थी, यहाँ पर वो बच्चे जो थे ना यहाँ से गिर गए थे उस साइड, वो जो मैंने आपको नीचे घर दिखाया, तो वो जो दोनों बच्चे थे वो यहाँ से बेचारे पतंग के चक्कर में दोनों यहाँ से गिर गए थे, और दोनों ही लड़के थे उनके, और एक ही घर के दोनों बच्चे एक थे, एक ही घर के दो लड़के थे, यानी उनके दोनों भाई बच्चे यहाँ से पतंग उड़ाते वो उसे नीचे गिर गए थे। तो बहुत दुख किया, बिहारी अंकल रहते थे वो, उनका साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, और दोनों के दोनों लड़के थे उनके, तो यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो दोस्तों ये अब हमारा तो यहाँ तो बंद है, तो ये हमारे पड़ोसी थे, ठीक है, तो उनका गोलू दीदी थी, बिब्बो दीदी थी, और वो परमानंद जी उनके जो भाई थे वो यहाँ रहते थे, हमारे पड़ोसी थे वो। तो आज उनका दिखाते हैं, ये उनका घर है, ये देखिए सामने ये लैट्रिन था, ये बाथरूम, और यहाँ सामने किचन, तो सारा किचन था। ये था किचन, तो ये रही छोटी सी गुड़िया, सुंदर सुंदर सी। ये था ऐसे सेम कमरा, वो था
ऐसे सेम टू सेम कमरा जो है, घर है जो है, ये बालकनी सब पापा को ऐसे मिला हुआ था, बट वो सेम ही लगा लो जो मैं हमारा कमरा, ये हमारे पड़ोसी थे तो जिनका मैं घर दिखा रहा हूँ, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये है और ये थी बालकनी, ये देख रहे हो ना आप, सोनिया रहती थी, मेरी जो सिस्टर की जो फ्रेंड थी वो यहाँ पर रहती थी, सोनिया दीदी यहाँ रहती थी, उधर सोनू रहता था। जगह दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, ये देखो यहाँ पर सारा खाली था, ये जो घर अब बन गए हैं, पहले यहाँ पर यानी कहने का मतलब हम खेलते थे तो पूरी जगह थी यहाँ पर, हम क्रिकेट उर्केट खेलते थे अपना आस पास, और यही सामने ये रहा अमित मिश्रा का घर, ये उनकी बालकनी है, ये 172 हाँ ये रहा, यहाँ अमित मिश्रा रहता था सर, जो कि ये रहा नीचे ये वाला घर, ये इनकी बालकनी अमित मिश्रा, ये पिंक कलर की हाँ ये वाली हाँ, ये अमित मिश्रा यहाँ रहता, ये अमित मिश्रा यहाँ रहते थे, ये जो पिंक कलर की बालकनी है इसमें रहता था, यानी कि ये पूरा घर था उनका भी सेम, यही सेम कमरे सेम ऐसी था, ये बगल में अमित मिश्रा रहते थे, रेलवे के क्वार्टर्स हैं सारे, और ये सब रेलवे के क्वार्टर्स हैं, मेरे पापा पार्लियामेंट हाउस में थे, रेलवे क्वार्टर्स में वहाँ पर उनको मिले हुए थे, यही था यहीं पर हम खेले कूदे बड़े हुए हैं, उनके घर में आते जाते रहते थे, तो पड़ोसी थे तो नेचुरल सी बात है कि भाई खेलना, वो भी छोटे थे हमारी तरह खेलते कूदते थे। और अब आपको अपने स्कूल दिखाता हूँ, चलते हैं अब हम स्कूल की तरफ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हेलो करो, आप भी करो, क्या नाम है आपका? आराध्या। आराध्या, रीना के संग में देखना आप लोग भी आओगे, ठीक है? ये लोगों ने घर बना दिए, नहीं तो पहले ये खाली ग्राउंड था बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ पे रहते थे इनके दोस्त, सारे दोस्त। और देखो वोरा घर जहाँ पे हम गए थे, वोरा तुम्हारे दोस्त हैं यहाँ पे अभी? दोस्त मिल गया, देखो दोस्त इतने भाग गए, अरे वाह दोस्त मिल गए। और भाई तो कैसे, ये बदमाश है ये मेरा, आज आ रहा है इतने भाग कहते, देखो दोस्तों की डस्टनी कितनी जबरदस्त है, डस्टनी है कहते हैं, मतलब मैंने इसको देखा और ये मेरा बचपन का दोस्त, ये मोनू कहते हैं, मोनू था ये, हम दोनों लंगोटिया दोस्त थे, लंगोटिया समझते ना आप, एकदम चड्डी वाले दोस्त थे। एक दिन यहाँ पर वो आया था साबुन वाला, मैंने इसकी शर्ट धुलवा दी थी, उसकी एक शर्ट तो तरह से काली थी, सर से पूरी वाइट हो गई थी, कह रहा है ये क्या करवा दिया तूने, मैंने हम तो चेक करवा रहे थे साबुन, यानी छोटी जो भी बचपन की यादें ना, खेलना कूदना इसके साथ होता था मेरा, ये मेरा खास होता था, कहने का मतलब एक ये था सोनू और एक ढोलकी, ये दो मेरे खास थे, बाकी तो सारे फ्रेंड तो थे, सारे भी सब मिलके खेलते, पर लंगोटिया यार यही, ये लंगोटिया मेरे साथ क्लोज में यही रहता था, ये मैं गेम खेलने जाते थे वहाँ पर, वो भी दिखाऊंगा मैं आज आपको, सारा कैप्चर करूंगा, यहाँ पर भी हम खेलते थे, वो पीछे की तरह वहाँ पे जाए ना पीछे,
और हम वैसे भी काम करते थे, मींस की तितलियों तितलियों मारते थे तो बचपन में बहुत ज़्यादा ड्रामे बाज रहे हो, कबूतरबाजी कर रहे हो, कबूतर का तो उतर गुलेल से वो करना, यहाँ के शीशे तोड़ते थे हम, ये बीच में बिल्डिंगों में तारे काटते थे लोगों की, यहाँ गद्दियाँ काटते थे, गाड़ियों की गद्दियां भी काटी हुई है इन्होंने। हैप्पी बर्थडे करते थे, एक दिन पकड़े गए थे तो बहुत पीटे थे गद्दियों से, केक काटते थे कोई पिटवाया लेके आया गद्दियां काटते थे यहाँ लोग, कोई पिटवाया था कि ये यहाँ रहता अंकल जी, फिर उसने बोला ये उधर रहता, सारे पकड़े गए। भाई के फादर पार्लियामेंट की कैंटीन में करते थे काम, और भाई के जो बड़े भाई थे वो बहुत अच्छे डांसर थे, और 5 बजे ही चालू जाते थे उनके गाने और हर चीज पता, यानी वो एक अलग था, अलग क्रेज था। एक स्टेज में आपको दिखा देता हूँ, कोई स्टेज को पार नहीं कर सकता, जो बड़े भाई के भाई पार कर सकते थे उस स्टेज को, वो कूद जाते थे पूरा एक छत से दूसरी छत पे, वो मतलब मन्ना भैया इनके जो बड़े भाई थे, हाँ, वो पूरा वहाँ से ऊपर से कूद के पार कर जाते थे। हाँ। लेजेंड थे, हमारे कॉलोनी के लेजेंड थे उस टाइम के, बहुत अच्छे तो नहीं भाई, वो तो पता है भाई। छोटी दीदी भी देख रही होगी वीडियो तो याद कर रही होगी सबको, सोए मोनू है छोटी, के मोनू है मेरा दोस्त। यार बड़ा खुश हुआ है भाई, मैं सब ये आ गए थे, मैं ये जानते होंगे, देखो एक हमारे भाई, हमारे बड़े भाई, मैंने भाई आपका नाम ये देखो दौलत, ये तो ना तेज दौड़ता था ना कसम से, इसको पकड़ना अजय दौड़ी रहो इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल था, बहुत एक्टिव था, बहुत ज्यादा। तो ये सारे पापा के फ्रेंड्स हैं, मेरा दोस्त था, और एक ये मोनू भैया इनके दोस्त हैं, और ये भाई जान छोटे थे ना, तो ये भाई हमारा डांसर था, मन्ना भाई का भी बता देना, मन्ना भाई बहुत अच्छा डांस करते थे, और वो बाजू अब रामलीला में तो बड़े नाचते थे, कहीं भी मिल जाए बस मतलब शादियों में भी जाते थे तेरे की शादियों में, हमें क्या पता, वो 8 मंजिल है वो भी दिखाऊंगा मैं आज आपको, वो भी कैप्चर करूँगा। तू जो रूठा तो कौन हसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, मेरा दोस्तों यहाँ पर हम क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पर हमारे मैच लगते थे, यहाँ पर हम वो बनाते थे, पूरे ग्राउंड में मतलब खेलने के लिए इतनी सारी जगह थी कि पूछो ही मत, बचपन में इधर खेलना मतलब यहाँ पे करते थे। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे छोटी छोटी तितलियाँ मारते थे, छोटी छोटी तितलियों को पकड़ पकड़ के मारते थे, और अमरूद कहाँ से लाते थे, अमरूद तोड़ते थे छोटी दीदी के लिए, ये लोगों ने अब बंद कर लिया है, लोगों ने अपने घर बना लिए, नहीं तो पूरा स्पेस ये खाली था, गार्डन था यहाँ पे, हम तितलियाँ पकड़ते थे, छोटे छोटे थे तितलियाँ पकड़ते थे। सॉरी दोस्तों यार, बचपन था, हर किसी का होता है। तो ये तितलियों को पकड़ पकड़ के क्या करते थे, उनको उड़ाते थे, उनको धागा बांध के उड़ाते थे। सारे हमारे जो भी मकानों का भी मरम्मत यहाँ पर हम करा देते कंप्लेंट, ये ऑफिस था पूरा, यहाँ पर उथाई उथाई जिससे जो भी करानी हो तो यहाँ से हम वो करवा कर अब ये करा, रेलवे कॉलोनी का वो था ये गवर्नमेंट का, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ बताओ, यहाँ से हम सीधा जाते थे, ये पूरा रास्ता Thank you.
का हमारे स्कूल के पास का मंदिर है छोटे में, हम यहाँ पर ये तो अब चेंज कर दिया, पहले ये ऐसे नहीं था, इस तरीके से था, इस तरीके से ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते थे, अभी पूरा फ्रंट बना दिया, पहले ये ऐसा नहीं था और थोड़ा ऊँचा था, या शायद होगा ऊँचा बट बहुत चेंज कर दिया मंदिर। मेरा बचपन कटा है यहाँ पर, मैं खेलते थे हम बहुत ज़्यादा, मेरा यहाँ मेरा सर टूटा था उससे अगली साइड से, इस दीवार इससे ऐसी सेम दीवार थी, उससे आगे ये जो टंकी दिख रही है ना पानी की, तो यहाँ से मैं एक ऊपर हाथ खींच रहा था तो मैं उधर गिर गया, तब मेरे यहाँ सर पे चोट आई थी। आओ दिखाता हूँ आपको, यहाँ हम खेलते थे, यहाँ पर वो था हमारा हरी बेर वाला, और वो खड़े होते थे बेर वाले चूरन वाले भैया। ये था स्कूल से आते वक्त मंदिर, बहुत ही प्यारी जगह है, एकदम शांत ग्रीन वाली, गवर्नमेंट एरिया है पूरा, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो इसलिए इनका जन्म, इनका बचपन जो है वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में ही कटा है रेलवे के। और देखो कितनी फीस है, कितनी शांति है। और अब जा रहे हैं हम इनके स्कूल, नगर निगम प्राथमिक विद्यालय में पढ़े हुए हैं, तो ये है इनका स्कूल। स्कूल है दोस्तों छो बचपन का, जहाँ मैं छो 5वीं से 8वीं तक पढ़ा हूँ। तो ये है पापा का स्कूल, ये इनका प्राइमरी स्कूल है, 1st से लेकर 5th तक ये यहीं के छोटे छोटे क्लासों में छोटे छोटे स्कूल में पढ़े हैं। यहाँ पर हमारी वो होती थी प्रार्थना, ये हमारे हेडमास्टर का रूम था, नाम नहीं आ याद होगा आपको, ये प्रिंसिपल रूम था, प्रिंसिपल रूम था, नाम बताइए ये प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल आपका याद होगा, याद होगा, 40 साल हो गए मेरे घर में, धोती वाला घर वीर सिंह प्रिंसिपल थे, एक वाइट चश्मा पहनते थे, वाइट बाल अपना इधर कोने में, और एक इधर मास्टर, ये हमारे तो 4th-5th क्लास से एग्जाम लगती थी। स्कूल सेम वैसे ही है, कुछ थोड़ा सा फर्क नहीं करा, पर थोड़ा चेंज कर दिया है सारा, इधर का सब चेंज। प्राइमरी स्कूल कितने सुंदर लगते हैं ना, यहाँ से पापा पानी पीते थे, ये है क्लासरूम जिसमें पापा पढ़ते थे। यहाँ लटकता था दोस्तों, आप मैं बताता हूँ मेरा लंबाई का, यहाँ 3 घंटों में लटकता था, ये देखो दोस्तों यहाँ लटकता था मैं, ये वाले इसमें यहाँ क्लासें लगती थी, यहाँ बैठता था, बहुत छोटा था ये, मेरी क्लास थी ये वाली, ये पापा क्लासरूम था, ये था क्लासरूम पापा का। कैसा लग रहा है स्कूल देख के? तो फ्रेंड आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पापा का स्कूल, ये रहा पीछे, बहुत मजा आ रहा है मुझे भी देखने में, और ये रहे पापा जो कि हो चुके हैं इमोशनल अपना बचपन देख के, तो आज सारी की सारी यादें पूरी हो रही हैं, उनके घर स्कूल सब आज हम दिखा रहे हैं। ये देखो कितना प्यारा स्कूल है, छोटा सा पर बहुत ही क्यूट स्कूल है, कहाँ पर बहुत घना होता था, ये यहाँ पर हम ऊपर चढ़ते थे, ये सतूत का पेड़ था, ये सतूत तोड़ते थे पापा बचपन में।
ये बड़ी क्लासें थी 8 तक की। इस पेड़ पर चढ़ के ये सतूत खाते थे। और इस क्लास में कौन था? मन्ना भैया। ये क्लास अब बंद हो चुकी है, इसलिए इसका ऐसा हाल है। ये ब्लैक बोर्ड ओह माय गॉड। ये रहे पापा। बहुत इन्होंने वीडियो बना ले दी, उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। तो ये वाला जो सेक्शन है ना स्कूल का, ये बंद हो चुका है। अभी ये सिर्फ प्राइमरी स्कूल हो गया है, नर्सरी स्कूल हो गया है। पहले ये प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, अब नर्सरी स्कूल हो गया। ये प्रिंसिपल रूम था पहले। ये कैसा लग रहा है? मोमेंट में यार क्या, मेरे पास शब्द नहीं आ रहे। पूरा बचपन यही गया है। यहाँ मैं 8वीं क्लास तक पढ़ा, फिर उसके बाद दूसरे बड़े स्कूल में चले गए। तो यहाँ पर था, ये सरकारी स्कूल था हमारा, राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालय। पहले ऐसा नहीं था, बनाया पहले यार था, पानी का ही था, पर यहाँ अलग तरीके से था, टूटी हम लगाई। यहाँ तक सारी छोटी क्लासेस थी और वहाँ पे थी बड़ी क्लासेस। दूसरे बड़े स्कूल में चले गए, पहले 8 क्लास तक। हमारे जल्दी तय दिल से धन्यवाद है, जो हमारी बचपन की यादें उन्होंने अलाउ किया हमें बनाना वीडियो। थैंक यू सो मच अंकल। दोस्तों यही चीजें है, जब अपना एक टाइम आएगा बुढ़ापे का, तो ये चीजें यादें रह जाएंगी। वही सारा कैप्चर कर रहे हैं और वही देखेंगे अपने बुढ़ापे में कि हम कहाँ थे, कहाँ पले बड़े। आज सारा वही चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये मेरा स्कूल था, यहाँ मैं पढ़ता था। उसके बाद फिर हम दूसरे चले गए थे, पीली बिल्डिंग नाम है उसका, वो भी दिखाएंगे आज आप। तू जो छूटा तो कौन रहेगा? तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा? तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं।
रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे क्यों परेशान है मेरे जाने से टूटा है तो जुड़ा है क्यों मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों हद नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे एक तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं